अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारा मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। मजहब के नाम पर यह कानून बनाया गया है और हमारा मानना यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे देश में सिटीजनशिप का दो कानून नहीं हो सकते कि एक पूरे देश में हो और एक नॉर्थ ईस्ट में अलग हो। और फिर दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक देश में कानून को रखेंगे, इसलिए हम 370 को निकाल रहे हैं। आप तो उल्टा नॉर्थ ईस्ट को और स्पेशल प्रोविजन दे दिए, ये क्यों किया फिर आपने? 370 क्यों निकाला आपने? तो ये अहम मुद्दे हैं और पूरे देश में इसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है पूरे मुल्क में। और ये बहुत गलत कानून बनाया गया है और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक NRC से है और सरकार ये कहने के मौक़ में नहीं है कि आसाम में जो बंगाली हिंदू हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने साफ तौर पर कह दिया कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन 5 लाख बंगाली हिंदूज को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी। और वो जो 5 लाख मुसलमान का नाम नहीं आया, वो केस लड़ते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये लोग रेफ्यूजी की आवाज़ को नहीं समझ रहे और घुसपैठियों की आवाज़ समझ रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री से इतना ही कहेंगे कि आपको, आपकी नज़र में रेफ्यूजी सिर्फ हिंदू हैं, बंगाली हिंदू है आसाम का, और आपकी नज़र में एक घुसपैठी जो है वो बंगाली मुसलमान है। ये प्रधानमंत्री दो कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को? प्रधानमंत्री को तो एक ही नज़र से देखना चाहिए। अगर आसाम का बंगाली हिंदू रेफ्यूजी है तो फिर आसाम का बंगाली मुसलमान भी रेफ्यूजी होना चाहिए। आप सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन बंगाली हिंदूज को जो NRC आसाम में नाम नहीं है, उन सिटीजनशिप देने जा रहे हैं। और जब पूरे मुल्क में NRC होगा, डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है वो तो सिटीजन नहीं कहलाएगा। और है अफसोस की बात तो ये है कि ये जो रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से, सरकार एक्ट में कहती है कि वो डॉक्यूमेंट के साथ आए या ना आए, हम उनको दे देंगे सिटीजनशिप। अरे भैया, जिनके पास जो 150-150 साल से इस देश में रह रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की हड्डियां जो है ज़मीन में है, आप मुझसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे और मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और आप डिसाइड करेंगे मैं सिटीज़न हूँ या नहीं? किस कैसे डिसाइड करेंगे आप? और NRC का काम शुरू हो चुका है NPR से। NPR जो अप्रैल 2020 में शुरू होगी, वो NRC का हिस्सा है। इसी तो हम कह रहे हैं कि NRP को रोकना पड़ेगा, NPR को रोकना पड़ेगा पहले। NPR जो NRC का हिस्सा है, उसमें आप सब पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। और है अफसोस की बात यह कि NPR जब होगी तो एक लो लेवल ऑफिशियल वो किसी के बारे में कहे कि ये डाउटफुल है और वो डाउटफुल जाएगा NRC में। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं थी सरकार? क्या NPR का ताल्लुक NRC से नहीं है? जवाब दें BJP की सरकार। क्या NPR में जब डाउटफुल आएगा तो क्या NRC में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है या नहीं है? 1996 में एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया था कि सिर्फ देश में खाली 50% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आप पूछेंगे? 1600 करोड़ रुपये आपने आसाम में खर्च किए, क्या निकाला आपने वहां पर? आसाम की फाइनल लिस्ट आने से पहले सब BJP के लोग बोलते थे कि 50 लाख घुसपैठी, 60 लाख घुसपैठी, मुसलमान घुसपैठी है। जब फाइनल लिस्ट आ गई तो आप आसाम के NRC को नहीं मानते आप, ये क्या बात है फिर? सर, आप कांग्रेस का जबरदस्त मुखालफत करते रहे हैं, उनके साथ डायस शेयर नहीं किए हैं, उनके साथ कोई मोर्चा बनता है सरकार को घेरने का, उसमें भी आप शामिल नहीं होते, क्या आप पर ऐसा दबाव है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कांग्रेस की हिस्सेदारी ली जाए, उनके साथ ज्वाइंट हैंड्स किए जाए, आप पे ऐसा दबाव है? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सिवाय अल्लाह से किसी डरने वाला ही नहीं, किसका दबाव?
कोई इसका दबाव सहयोगियों का जो कोई कोई अरे दबाव क्या है, दबाव है दबाव कोई ना, हम ना किसी को दबाते ना हम दबने वाले हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से ऐसे समय में जब आपकी बात नहीं सुन रही, आप नहीं सुन रहे नहीं, कांग्रेस के साथ प्रमोद साहब सवाल तो ये होना चाहिए कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दी चीफ मिनिस्टर, और वही उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा में बीजेपी का साथ देती है। सवाल ये होना चाहिए था कि राज्यसभा में बीजेपी को हरा सकते थे, तो उद्धव जिसको उद्धव ठाकरे को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया उनकी पार्टी पीठ दिखाकर भाग गई। दबाव तो उन पर है ना, मुझ पर कहाँ दबाव है। लोग मुझे कहते टीआरएस ने तो ओपनली फैसला लिया। कांग्रेस को जवाब देना है कि आपकी अलायंस जिसका सपोर्ट आप कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर लोकसभा में बीजेपी की सपोर्ट करता, और आपके एक्स प्रेसिडेंट बोलते कि ये देश के खिलाफ है, मर आप वहां पर आप मले खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, फिर आज वो कहते हैं कि भाई देश के लिए बचाना है आ जाइए। अरे भाई महाराष्ट्र में फिर आपका क्यों भाग गया राज्यसभा से आप, सवाल तो ये है। लेकिन अखिलेश के हक के लिए क्या आप नहीं मानते कि आपको ये लड़ाई नहीं देखिए, ये लड़ाई मेरी एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो प्रमोद तिवारी के लिए भी लड़ रहे हैं, वो हर एक के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक की लड़ाई कहाँ है। ये तो हिंदुस्तान के रूह उसकी सोल की लड़ाई है। हम तो इस मुल्क को अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी कुर्बानियों के तहत लेके जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क चले आरएसएस की आइडियोलॉजी पर या मज़हब के नाम पर या जिन्ना के उस थ्योरी पर चले। तो ये लड़ाई में सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना है, और मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना मैं किसी को रोक रहा हूँ, हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम अपना सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाले हैं, हम ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे तेलंगाना आंध्रा में मीटिंग्स होंगी, 29 तारीख को किशनगंज में है बिहार में हमारा मीटिंग, वहाँ पर भी हम जाएंगे।